दोस्तों, क्या आपके फोन का स्टोरेज बहुत ही ज्यादा फुल रहता है हमेशा और आपको पता भी नहीं चलता है कि किस कारण से फुल है? तो आज इस वीडियो को आप देखते रहिए अंत तक। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपने फोन का स्टोरेज आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे जो फालतू फाइल है, जो वायरसेस होती है या फिर जो भी फालतू की फाइल होते हैं उसे आप कैसे डिलीट करके अपने फोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। और मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर जो आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे और भी लोगों के साथ तो और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होती है। तो अगर जो आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे और भी लोगों के साथ तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसका भी फोन का स्टोरेज मतलब सॉल्व हो पाएगा प्रॉब्लम। और फोन स्टोरेज आपको पता होगा, फोन धीरे चलता है और हैंग भी करने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है फोन स्टोरेज के कारण। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे भी नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये काम कर ही देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी बटन को भी दबा दें और भी फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि और भी लोग जान पाए और उनकी भी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो पाए, ये जो स्टोरेज जो फुल हो जाता है ये सब प्रॉब्लम ठीक हो पाए उसका भी। आपको नीचे कमेंट भी कर देना है स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। उसके बाद चलो यार अब ट्रिक की ओर चलते हैं। आखिर हम कैसे पता करेंगे कि हमारे फ़ोन में क्या भरा हुआ है, कैसे फुल हो गया? तो देखिए, उसके लिए आपको ये डिस्क यूजेज इसका नाम है, इसे आपको ओपन करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। चिंता करने की बात नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस ऐप का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे फ़ोन में जो 128 GB इंटरनल है और यहां पर क्या चीज़ भरा हुआ है मेरे फ़ोन में, तो यार देखो जो ये जो आपको मिलता है, ये ग्राफ जो इस तरह से मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि 24 GB अभी खाली है, 95 GB भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे आखिर जो 95 GB भरा हुआ है किस चीज़ में भरा है, किस कारण से भरा हुआ है? और यहाँ पर देखिए स्टोरेज फुल वाला जो प्रॉब्लम है वो आपको मिल जाता है, परसेंटेज में भी बता देता है कि 20% खाली है। तो यहाँ पर देखो यार, ये जो MP4 है ये ब्लू कलर का है, इसका मतलब ये है कि 63 GB मेरे फ़ोन में सिर्फ वीडियो है। उसके बाद जो पिंक कलर में है, जो गुलाबी कलर में है, वो JPG है, मतलब वो की फ़ोटो है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल पा रहा है कि हाँ भाई, जो हमारा फ़ोन है वो किस कारण से ज़्यादा फुल है, मेमोरी वीडियो से फुल है या किस चीज़ से फुल है। आपको अगर आप डिलीट करना चाहते हो वीडियोज़ को तो अब यहाँ पर आप उसको उसी ब्लू कलर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए, जो भी ब्लू कलर में है इसका मतलब ये है ये सब वीडियो है। और यहाँ से आप जो है इजीली तरीके से आप डिलीट कर सकते हो जो भी वीडियोस फालतू है। और उसके बाद जो आपके फ़ोन का स्टोरेज भी प्रॉब्लम जो भी है वो ठीक हो पाएगा। डिलीट करने के लिए नॉर्मली यहाँ पर ऑल सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, सिलेक्ट ऑल कर लो या तो आप मैन्युअली सिलेक्ट करो कि हाँ भाई मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ वीडियो, आप इजीली तरीके से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अगर JPG है, अगर फोटो को डिलीट करना है तो JPG पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देख सकते हो, ये जो पिंक कलर मतलब गुलाबी कलर में इस तरह से आता है टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको फ़ोटो शो कर रहा है। फ़ोटो शो करना है तो फ़ोटो कैसे डिलीट करना है वो भी आप जानते हो, सिलेक्ट ऑल करके आप डिलीट कर लो या तो आपको मैनुअली सिलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से जो आप स्टोरेज का प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो, आप जान पाओगे हाँ भाई ये फुल है, इस कारण से ज़्यादा मेरा स्टोरेज जो है फुल है, उसके बाद वो चीज़ आप डिलीट कर दो, बस यार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये वीडियो आपको कितना इजी लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर किसी को पता चले इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।